शुक्रवार को गुजरात के सूरत में आग का भयानक तांडव देखने को मिला। एक 4 मंजिला बिजनेस कॉम्प्लेक्स में भयावह आग लगने के कारण 20 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी। इनमें 18 छात्र शामिल हैं। दरअसल इस इमारत में कोचिंग सेंटर चलता था। आग लगने के बाद छात्रों को घुटन होने लगी और आग से खुद को बचाने के लिए छात्र तीसरी और चौथी मंजिल से नीचे कूदने लगे, जिसमें उनकी मौत हुई। इस आग के पीछे शॉर्ट सर्किट कारण माना जा रहा है। इस हादसे के बाद सूरत के पुलिस अधिकारी ने 3 लोगों के नाम FIR दर्ज करवाई है। फिलहाल सभी कोचिंग क्लासेस पर रोक लगा दी गई है। जब तक इमरजेंसी अग्निशमन व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता, ये क्लासेस नहीं चलेंगी। कोचिंग सेंटर चलाने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हादसे के चश्मदीद गवाहों ने ये भी दावा किया कि दमकल की गाड़ी देर से पहुंची। सूरत पुलिस ने इस कॉम्प्लेक्स के बिल्डर हर्षल वेकारिया, जिग्नेश और कोचिंग सेंटर के संचालक भार्गव भूटानी को आरोपी बताया। इस इमारत में कई दुकानें और कोचिंग सेंटर है। आगजनी के वक्त 50 से ज्यादा छात्र और शिक्षक अंदर मौजूद थे। आग देखकर अंदर फंसे छात्र बाहर कूदने लगे, जिसमें उन्होंने अपनी जान गंवाई और कई झुलसे भी। दमकल के 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची और मुश्किल से आग पर काबू पाया। गुजरात के उप मुख्यमंत्री ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। वहीं CM ने मृतक छात्रों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही। इस मामले के आरोपियों पर हालांकि सख्ती से निपटा जाएगा। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर डाले गए, जिसे देखते ही रूह कांप उठती है। PM मोदी ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया और ट्वीट कर अपनी संवेदना प्रकट की। उन्होंने हर संभव मदद करने की भी बात कही, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ये घटना कोई पहली नहीं है। इस तरह की कई बड़ी घटनाएं देश में घटित हुई हैं, लेकिन फिर भी कोई सबक नहीं लिया जा रहा। लोगों की जान को खतरे में डाला जाता है। अब तक कई हादसे हुए हैं जिनमें कईयों ने जान गंवाई, तो फिर सुरक्षा के लिहाज से एहतियात क्यों नहीं बरता जाता? क्यों व्यवसाय इतना बड़ा कर दिया गया कि लोगों की जान का कोई मोल नहीं? न्यूज डेस्क, StoryHowHindi.com।